दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। कहीं पहली बड़ी खबर है, गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। बोले राहुल गांधी है फर्जी गांधी, अखिलेश यादव को भी दे दी कड़ी चुनौती। ये आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी बयान को लेकर उन पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि रविवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। यही नहीं, इसके साथ ही राहुल गांधी ने इशारों ही इशारों में महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे को हिंदुत्ववादी बताया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर भी उन्होंने निशाना साधा था। आपको बता दें कि गाजियाबाद में भाजपा के लिए वोट मांगने पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी नकली गांधी हैं। साथ ही कहा कि केंद्र के साथ में योगी सरकार मिलकर महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा भाजपा नेता ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी चुनौती दी है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रदेश सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाने पर उनको जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अखबारों में विज्ञापन देकर अपने विकास के कार्य गिनाए हैं। यदि अखिलेश यादव को आपत्ति है तो सरकार और मुख्यमंत्री के ऊपर केस कर दें, ये मेरी उनको कड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने साफ कर दिया है कि विकास के दम पर एक बार फिर से यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। और ये बड़ी खबर, दोबारा शुरू हो सकता है किसान आंदोलन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजी चिट्ठी में किसानों ने कर दिया बड़ा खुलासा। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ और अन्य मांगों को लेकर साल भर चलकर स्थगित हुआ किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो सकता है। दरअसल आज पूरे देश में विश्वासघात दिवस मना रहे किसानों के नेतृत्व करता संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका इशारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी में कर दिया है। मोर्चा ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल द्वारा किसानों के मुद्दों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद बॉर्डर पर लगे तमाम धरना प्रदर्शनों को हटा लिया गया था, पर सरकार ने उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। राष्ट्रपति को भेजे पत्र में मोर्चे ने सिलसिलेवार अपनी मांगों को बताते हुए फिर से सरकार की वादा खिलाफी से वाकिफ कराया है और उनसे इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजे पत्र में कहा कि देश के किसानों ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी हासिल करने और अन्य किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के चलते आपके हस्ताक्षर से 3 किसान विरोधी कानूनों को रद्द कर दिया गया। मोर्चे के नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कहा कि आपको ये बताते हुए हमें बेहद दुख है कि एक बार फिर से देश के किसानों के साथ धोखा हुआ है। भारत सरकार के 9 दिसंबर के जिस पत्र के आधार पर हमने मोर्चे उठाने का फैसला किया था, सरकार ने उनमें से कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है, इसलिए पूरे देश के किसानों ने आज विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला लिया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि सचिव के पत्र में किसानों से उनकी मांगों को पूरा करने को लेकर किए गए वादे और सरकार द्वारा उन्हें पूरा न किए जाने का पूरा ब्यौरा राष्ट्रपति को सिलसिलेवार देते हुए कहा कि महामहिम आप इस देश के मुखिया हैं, आपका संवैधानिक दायित्व है कि आप देश के सबसे बड़े वर्ग अन्नदाता के हितों की रक्षा करें और सरकार को आगाह करें। आप जानते हैं कि किसानों के खून पसीने की वजह से आज देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ है। किसानों के अथक प्रयास से ही आर्थिक मंदी और लॉकडाउन के बावजूद भी देश का कृषि उत्पाद लगातार बढ़ा है। किसानों से खिलवाड़ करना पूरे देश के लिए आत्मघाती हो सकता है। उन्होंने पत्र में आखिर में कहा कि इस पत्र के माध्यम से देश के अन्नदाता देश के मुखिया से अनुरोध करते हैं कि सरकार उनके विश्वास को ना तोड़े, सत्ता किसान के धैर्य की परीक्षा लेना बंद कर दे। आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों की याद दिलाएं और इन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाएं। यदि सरकार अपने लिखित आश्वासन से मुकर जाती है तो किसानों के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से भरा पर्चा, पहली बार लड़ रहे विधानसभा का चुनाव। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करल सीट से पर्चा भर दिया है। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में वो आजमगढ़ के सांसद हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जो लोग लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उनको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक आई सूची में उनके ऐसे 99 प्रत्याशी हैं जिन पर अपराध
आपराधिक मामले हैं। मैं भाजपा से कहूंगा कि ये 99 ठीक नहीं लग रहा है। 100 के पार जाओगे तो सबकी जानकारी में आएगा कि तुमने कितने आपराधिक मुकदमे वालों को टिकट दिया है। आपको बता दी कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव होगा और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। आपका क्या मानना है, क्या इस बार अखिलेश यादव सरकार बनाने में कामयाब होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री को दे दिया टिकट, करल से भरा पर्चा। ये आपको बता दें कि मैनपुरी के करल से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने यूपी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। उनका सामना अखिलेश यादव से होगा जो इस क्षेत्र से सपा के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि आज ही अखिलेश यादव ने करल से पर्चा दाखिल किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये नॉमिनेशन एक मिशन है क्योंकि ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। करल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है जिसका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये क्षेत्र बिल्कुल घर के पास का क्षेत्र है। घर है नेताजी का और समाजवादी पार्टी का। यहाँ से बहुत पुराना रिश्ता रहा है और यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में जो नकारात्मक राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश से उनको जनता हटाएगी। आपको बता दें कि यादव ने अपनी भावुक अपील में कहा, यह चुनाव जनता पर छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे और जगह जाना है। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करल से बल्कि हर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को मौका दें। सपा विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर प्रदेश को ले जाएगी। और भी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने गोरखपुर पहुंचे चंद्रशेखर रावण बोले, भागेंगे नहीं, यहीं पर जमेंगे। ये आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा कि भगत सिंह यदि सेफ जगह देखते तो देश आजाद नहीं होता। हम यहां पर आए हैं सिर्फ 5 दिन में दिखाएंगे कि सबसे बड़ा संगठन किसी का नहीं है। ये गोरखपुर की धरती है, यहीं रहेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर रावण ने मुख्यमंत्री पर गरीबों का हक मारने, सरकारी जमीन का मुआवजा लेने तथा कई अन्य आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यहां लोगों पर फौजी रासुका लगाई जाती है, इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण ने ऐलान कर दिया है कि हम गोरखपुर से भागेंगे नहीं, यहीं पर रहेंगे और यहीं पर रहकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा मुकाबला करेंगे। और बड़ी खबर, यूपी में सपा का शासन याद दिलाकर बोले पीएम मोदी, दंगों के समय जश्न मना रही थी सरकार। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिमी यूपी की इस धरती ने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को वो ऊंचाई देगा जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। जब मैं 5 साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करने का काम किया है, यूपी के विकास का प्रयास किया है, कोई भूल नहीं सकता है। 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी? पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले दबंग और दंगा ही कानून था, उनका आदेशी शासन था, व्यापारी लुटता था, बेटी घर से निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो सरकार उत्सव मना रही थी। 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित और पिछड़ों के घर दुकान पर अवैध कब्जा समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबरें आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारी को तबाह कर दिया था। 5 साल में योगी सरकार यूपी को इन हालातों से बाहर निकाल कर लाई है, ये कोई मामूली काम नहीं है। मैं 20 सालों तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, इतने कठिन हालात से प्रदेश को बाहर लाना, दंगों से मुक्त कराना, आज यूपी का किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो या माता बहने, सभी को सुरक्षा और सम्मान मिल रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा, जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में वो पूरे तरीके से ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो गुंडागर्दी वाले लोग अवसर के तलाश में हैं, उन्हें ऐसी सरकार चाहिए कि खेल खेलने में आसानी हो। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है उनकी भाषा, इतिहास, करतूत, कारनामे उनके सबूत हैं। बदला लेना ही उनकी सोच रही है, इसलिए मैं ये देखकर खुश हूं कि यूपी के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से सावधान हैं। यूपी की जनता पुराने दिन वापस नहीं चाहती है। इन बदला लेने वालों के बयानों को देखकर यूपी के लोगों
ने ठान लिया है कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से भाजपा को विजयी बनाएंगे। और ये बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजवर ने मारा यू टर्न, वाराणसी की शिवपुर नहीं बल्कि अब अपनी परंपरागत सीट जहूराबाद से लड़ेंगे चुनाव। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजवर ने वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ने का अपना इरादा बदल दिया है। अब वो अपनी परंपरागत सीट जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में भी ओम प्रकाश राजवर इसी सीट से निर्वाचित हुए थे। शिवपुर सीट से अब ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजवर उम्मीदवार होंगे। गौरतलब है कि इस सीट पर राजवर परिवार के मुकाबले सिटिंग एमएलए और कैबिनेट मंत्री अनिल राजवर भाजपा के उम्मीदवार हैं। ओम प्रकाश राजवर के यहां से चुनाव लड़ने के ऐलान की वजह से पिछले कुछ समय से राजनीतिक गलियारों में शिवपुर सीट की लगातार चर्चा हो रही थी। अनिल राजवर ने भी बयान दिया था कि ओम प्रकाश राजवर यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश राजवर ने 5 अन्य टिकटों का भी ऐलान किया है। संडीला से प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी, सीतापुर के मिश्रित से मनोज राजवंशी और के बलहा से महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव ललिता पासवान को चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजवर ने आरोप लगाया है कि भाजपा में 90% प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजवर ने अब अपनी शिवपुर सीट पर यू टर्न मार लिया है और अब वो अपनी परंपरागत सीट जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। और ये बड़ी खबर, स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला, बोले अतीक मुख्तार और आजम चलाते थे सपा की सरकार। ये आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार अतीक मुख्तार और आजम चलाते थे। दुर्भाग्य है कि अखिलेश यादव को सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना याद आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने अलीगढ़ की छर्रा व कोल विधानसभा क्षेत्र में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम व प्रत्याशियों के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। छर्रा के सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज विपक्षी पार्टियां दुष्प्रचार कर रही हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण के नाम पर वोट मांग रही हैं, जबकि लोकतंत्र में राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़े जाते हैं। अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, जबकि सपा सरकार में 6-8 घंटे बिजली आती थी, आज 24 घंटे बिजली आती है। कानून व्यवस्था पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहली सरकार में घरों के दरवाजे 5 बजे ही बंद हो जाते थे। उन्हें डर था कि कहीं गुंडे घरों में घुसकर लूटपाट ना कर जाएं। पीड़ित की रिपोर्ट पुलिस दर्ज नहीं करती थी, यदि गलती से रिपोर्ट लिख जाती थी तब रामपुर से फोन आ जाता था। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद से कानून व्यवस्था सुधरी है, अब कोई बहन और बेटियों पर आंख उठाकर नहीं देख सकता। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। आज अखिलेश सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उनकी सरकार जब थी तो उसे कौन चलाता था, यह किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह ने साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव की सरकार अतीक मुख्तार और आजम चलाते थे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।